किस तरफ से अटैक कर सकते हो, आपकी जो फिंगर पॉइंट है उससे किस तरह से अटैक कर सकते हो। मैं हूं विश्वेश दुनाखेतर, के टीचर एंड फाउंडर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिंगर पॉइंट से, फिंगर टिप से कैसे अटैक किया जाता है। दोनों हाथ को आपको यहां से इस तरह से रखना है। फर्स्ट आपको यहां से हाथ को पूरा बॉडी को टच लेके जाना है और हाथ को स्ट्रेट ओपन अप करना है। ईच, नी, सांग। आपकी जो उंगलियों का आगे वाला जो हिस्सा है, आपका जो पॉइंट है, उंगलियों का टिप है, उससे आपको अटैक करना होता है। या तो आप थ्रोट के ऊपर कर सकते हो या सोलो फेस के ऊपर कर सकते हो। ये टेक्निक सेंट फेस के अटैक के लिए जरूर काम आता है। आपको क्या याद रखना है, आपकी सारी उंगलियां साथ में होनी चाहिए, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए और आपका थंब जो है वो इस तरह से फोल्ड होता है। तो आपका स्ट्रेट अटैक क्या बनेगा, ईच, सीधा अटैक, बैक, नी, स्ट्रेट अटैक, बैक, सम, स्ट्रेट अटैक। इस तरह से आपको ये अटैक करना है। तो देख लीजिए, ईच, स्ट्रोक अराउंड, नी, सम, सी, गो। अब इसी को अगर फास्ट करना है हमें अटैक को, सीधा हाथ रखना है आपका, शोल्डर आपके डाउन होने चाहिए, रिस्ट भी आपका सीधा होना चाहिए और फिंगर भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इच, नी, सम, सामने से देख लीजिए, इच, नी, सम, थी, हो। इस तरह से आपका सेकंड फेस के लिए फिंगर टिप से अटैक हो सकता है। प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली बार इसी कुछ नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट।